हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे गिफ्ट जो नेचर के थ्रू हमें दिए जाते हैं, उसको जब हम अपने अपने नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं तो उनको हम रिसोर्स कहते हैं। और इस रिसोर्स को समझाया गया है एक कहानी के थ्रू, और कहानी में मोना, राजू और उनकी मम्मी हैं अम्मा। मोना एंड राजू अपनी माँ की मदद करते हैं घर को साफ करने में, क्लीन देयर हाउस, लुक एट ऑल दिस थिंग, और वो बोलते हैं इन सारी चीज़ों को देखो। ये कौन बोल रहा है? ये मोना बोल रही है कि इन सारी चीज़ों को देखो, क्लोथ्स, यूटेंशल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बोटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ यूज, यानी कि जो कपड़े, क्लोथ्स, कपड़े, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूड ग्रेन, अनाज, कॉम, कंघा और बोटल ऑफ हनी, हनी की जो बोटल है शहद की, और बुक्स, कह रही है कि ये सारी चीज़ें हैं वो यूज़ की हैं। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, और इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। ये अम्मा ने कहा, दीज आर रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज हैं। ये अम्मा ने कहा कि ये रिसोर्स हैं। वॉट इज़ अ रिसोर्स? राजूज़ क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने अपनी माँ से क्वेश्चन पूछा। अम्मा ने इसका जवाब दिया, एनी थिंग। ये रिसोर्स की डेफिनेशन हो गई आपके, एनी थिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड ऑफ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जिसको कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वो रिसोर्स कहलाती है। ये जो वर्ड्स हैं ये किसके थे? अम्मा के। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो, एंड ऑब्जर्व करो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपके चारों ओर। द वाटर यू ड्रिंक, अब रिसोर्सेज में क्या चीज़ आ गई हैं? वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, पानी, जब तुम प्यासे होते हो तो तुम पानी पीते हो, यानी अपनी प्यास को बुझाने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पानी यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी जब आपको ज़रूरत होती है, गर्मी लगती है तो पंखा चलाते हो, अंधेरा होता है तो लाइट जलाते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी को आप अपने हाउस के अंदर यूज़ कर रहे हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, रिक्शा जो कि जिसका आप इस्तेमाल करते हैं घर पहुँचने के लिए स्कूल से। टेक्स्ट बुक, किताबें जो आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब रिसोर्सेज हैं। तो ये एग्जाम्पल है एक रिसोर्स के। तो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स एंड गिव एग्जांपल। तो इसमें आ जाएगा रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई योर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। और इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा एंड टेक्स्ट बुक्स, स्टडी। तो ये सारी चीज़ें आ गए, स्टडी मटेरियल्स, ये रिसोर्सेज में आ गए जो आपके चारों ओर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसमें दे दिया इन्होंने, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स, ये सब समथिंग कॉमन है जो सभी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सभी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, सो दे हैव यूटिलिटी, इसी वजह से इनकी यूटिलिटी है। और यूटिलिटी और यूजबिलिटी, यानी कि कैसे आप उसकी, क्या ज़रूरत है आपको, कैसे उसको आप यूज़ कर रहे हैं, इज़ वॉट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और रिसोर्स। और यही चीज़ है जो कि किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती है। हाउ डू समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो आपका ये बनता है कि कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स बनती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? ये क्वेश्चन राजू का था। अब राजू ये जानना चाहता था कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है। तो अम्मा ने उसे बताया, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तो रिसोर्स कैसे बनती हैं? कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है, उसकी कोई कीमत होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स अ वैल्यू, और उसका यूज़ और जिसकी यूटिलिटी है वो उसको वैल्यू देती है, उसका एक मूल्य निर्धारित करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज, और हर रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, सेड अम्मा, अम्मा ने कहा। तो ये आपका आंसर किसका है? हाउ डू समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है।
अब वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि उसकी कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक मूल्य होता है, सम डू नॉट, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी चीज़ें जिनका इकोनॉमिक जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है? तो मेटल, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, और एक बहुत सुंदर सा लैंडस्केप हो। लैंडस्केप मतलब होता है एक सीनरी वगैरह, तो अगर आप सीनरी देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप देख रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू सेटिस्फाई, लेकिन दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, और ये ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं समय के साथ साथ, जैसे कि योर ग्रैंड मदर हाउ होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, जैसे आपके ग्रैंड मदर का जो घर है आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गाँव में तो गाँव में कीमत कम होती है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई अ मेडिकल फॉर्म, लेकिन अगर उसको मेडिकल फर्म को दे दिया जाए, या उसको किराए पर रख दिया जाए, या उसको दे दिया जाए मेडिकल फर्म को टुमारो, तो उसका क्या होगा? उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। और पेटेंटेड का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव राइट, यानी कुछ अगर उसको राइट दे दिया जाए मेडिकल फर्म्स को ओवर एनी आइडियाज़ और इन्वेंशन, आइडिया और इन्वेंशन के लिए, तो उसका क्या है? उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी। या आपके ग्लोसरी में पेटेंट का मतलब दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट, तो उसका मतलब ये हुआ एक्सक्लूसिव राइट, द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग मेकिंग और स्मॉल थिंग्स, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कि लेटेस्ट लेटेस्ट नॉलेज हो और स्किल हो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, डूइंग और मेकिंग थिंग्स। फिर है आपका, अब कोई भी सब्सटेंस को अगर रिसोर्स में बदलना है तो कौन सी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? तो वो है आपका टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज द सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस को चेंज करते हैं रिसोर्सेज के अंदर। बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ पीपल, और दोनों ही इंसान की ज़रूरत है। पीपल देमसेल्फ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल खुद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ ये आइडियाज़, उसके आइडियाज़, उसकी नॉलेज, उसकी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लेड दिस क्रिएशन टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिससे कि और बहुत सारे रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है, क्रिएट होते हैं, क्रिएशन मतलब बनते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू मैनी अदर्स, और हर डिस्कवरी और इन्वेंशन होता है जिससे बहुत सबको बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, अब क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, आग की खोज हुई, तो इससे क्या हुआ कि खाना बनाना जो है वो हमने आग पर शुरू कर दिया। और अदर प्रोसेसेस में जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील है, अगर व्हील का इन्वेंशन किया गया तो उससे क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये रहा कि न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो गए। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो हैज़ टर्न एनर्जी, इससे क्या हुआ कि एनर्जी को बहुत तेज़ी से चेंज किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, और वो कहाँ से होती है? फ्लोइंग वाटर से इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। फिर आते हैं आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको
क्लासिफाई किया गया है थ्री टाइप्स के अंदर, और ये थ्री टाइप्स हैं नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। तो फर्स्ट आता है आपका नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि डायरेक्ट नेचर से निकाले जाते हैं या उनको यूज़ किया जाता है बिना उसको मॉडिफाई किए हुए, उसमें चेंज किए हुए, उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं, हवा को आप चेंज नहीं कर सकते हो। द वाटर इन आर रिवर्स और लेक, जो पानी हमारे नदियों और लेक्स में है। सॉइल, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि एग्जाम्पल हो गए नेचुरल रिसोर्सेज के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्स, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। रिसोर्सेज दैट ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल, मिनरल्स, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि फ्री गिफ्ट है नेचर के थ्रू एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, और उसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है। इन सम केसेस टूल एंड टेक्नोलॉजी, और कुछ केसेस के अंदर टूल और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, और ये है लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कितना लेवल है डेवलपमेंट का, यूज़, ऑरिजन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कितने टाइप के हो गए? फाइव टाइप, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज़, ऑरिजन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहला क्या था हमारा? लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, डेवलपमेंट और यूज़ के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है ट्रू ग्रुप के। ट्रू ग्रुप में एक होता है आपका एक्चुअल रिसोर्सेज, दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको कि आप जिसकी की क्वांटिटी आप जानते हैं। और जिसे कि आप प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एंड दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, द डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, ये सारे क्या हैं? नेचुरल एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, यानी कि डेवलप्ड हैं, इसका आज हम यूज़ कर रहे हैं। और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नॉन, कि भाई कितना है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है एट प्रेजेंट। और ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम फ्यूचर के लिए रख देते हैं कि इनको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जो लेवल है टेक्नोलॉजी का वी हैव प्रेजेंट, जो आज हमारे पास जो लेवल है टेक्नोलॉजी का वो इतना एडवांस नहीं है जिससे कि हम आसानी से इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, और इसी वजह से हम इसको फ्यूचर के लिए रख देते हैं कि आगे अगर टेक्नोलॉजी का लेवल अच्छा होगा और टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाएगी तो फिर हम इन रिसोर्सेज को आगे यूज़ करेंगे। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज इन फ्यूचर, जिसको कि फ्यूचर में यूज ऑफ वेन फॉर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 ईयर एगो। अब क्या था कि बहुत तेज़ी से हवाएं चलती थी, और ये हवाएं आज से नहीं बल्कि 200 साल से, जब से बनी है पृथ्वी तब से चल रही है, और 200 साल से ही ये हवाएं चलती थी। उस समय ये जो हवाएं थी वो क्या था? पोटेंशियल रिसोर्स था, और हमें इसको यूज़ करना नहीं आता था। लेकिन आज क्या है? एक्चुअल रिसोर्स बन गया है। कैसे बन गया है? क्योंकि अब उस विंड से विंड फार्म्स जो हैं वो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं विंड मिल्स को यूज़ करके, जैसे कि नीदरलैंड में हो रहा है। तो ये क्या हो गया? जो कभी पोटेंशियल रिसोर्सेज हुआ करते थे वो एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए।
एक्चुअल मीन्स डेवलप्ड, यानी जिसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में, पोटेंशियल जिसे इन फ्यूचर हम यूज़ करेंगे। तो ये तो था डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। देन होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक एंड बायोटिक। रिसोर्सेज जो हैं वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं, और बायोटिक वो होते हैं जो कि लिविंग थिंग से बनते हैं। यानी बायोटिक लिविंग होते हैं, अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं। सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सारे अबायोटिक हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्स। देन फिर आता है आपका यूजेस के बेस पर। तो यूजेस के बेस पर अगर हम करते हैं तो दीज आर टू टाइप्स, और ये होते हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स, ये वो रिसोर्स होते हैं जो कि रिन्यू किए जा सकते हैं और या रिप्लेनिश किए जाते हैं। रिप्लेनिश मतलब कि इनको दोबारा से बनाया जा सकता है क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इनमें से कुछ जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं एंड नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से अफेक्टेड नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। सच एज जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। यट लेकिन अगर हम केयरलेसली इसका यूज़ करेंगे सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कि वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट, तो इसका जो स्टॉक है वो अफेक्ट हो जाएगा, यानी उस पर प्रभाव पड़ेगा केयरलेस यूज़ की वजह से। वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड, जो वाटर है वो अनलिमिटेड है, दिखाई देता है कि वो अनलिमिटेड है, क्योंकि आपको पता ही है जो हमारी अर्थ है उस पे जो वाटर है वो 78% है, 79% वाटर है, और 21% जो है वो लैंड है। तो इसलिए वाटर अनलिमिटेड दिखाई देता है, बट जो उसका शॉर्टेज हो सकता है आगे चल के, ड्राई अप हो सकते हैं नेचुरल वाटर सोर्सेस, मेजर ये प्रॉब्लम है कई हिस्सों के वर्ल्ड में। देन फिर आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड स्टॉक होता है। वंस एक बार जो ये स्टॉक ख़त्म हो जाए तो उसको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको रिन्यू या रिप्लेनिश होने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन्स वन, और ये जो समय है, क्योंकि थाउजेंड साल तक तो इंसान भी नहीं जीता, तो ये बहुत ज़्यादा समय हो जाता है ह्यूमन्स लाइफ स्पान के लिए। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, और जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। कोल, पेट्रोलियम, ये इसके एग्जांपल हैं नॉन रिन्यूएबल के। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स। देन फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज या टू टाइप्स। एक होता है ubiquitous और localized। ubiquitous तो मतलब होता है जो सब जगह मौजूद होते हैं उनको ubiquitous कहा जाता है। और resources that are formed, और ऐसे resources जो कि हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा, विपरीत जो हम सांस लेते हैं हवा, तो ये क्या हो गई, ubiquitous हो गया। और कुछ resources ऐसे होते हैं जो किसी particular reasons के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर एरियाज में, तो उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जैसे कि कॉपर एंड आयरन ओर। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। बहुत सारे जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से या उनसे अफेक्टेड होता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो अनइवन होते हैं या अनइक्वल होते हैं,
एक जैसे नहीं होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर, क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं मच ओवर द अर्थ। देन फिर आता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज, कभी कभार क्या होता है जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेज बनते हैं तभी, व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज, जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स, आयरन ओर जो है वो रिसोर्स नहीं है जब तक कि लोगों को आयरन ओर में से आयरन निकालना ना आए। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है निकालना। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स ब्रिजेस रोड्स मशीनरीज एंड व्हीकल्स को बनाने के लिए, विच आर नोन एज, जिसको कि हम जानते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, तो जो लोग हैं वो लाइक अस यूज़, वो क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको जब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको लाइक करते हैं। तो ऐसा मोना ने कहा, नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, कि ये इशारा करते हो कि वो समझ गई है। एंड राजू ने भी कहा यस। देन ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या चीज़ हैं? ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड एबिलिटी, ये क्वांटिटी और एबिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, ऑफ द पीपल थ्रू देयर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि उनके अलग अलग व्यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स, रिसोर्स से रिलेटेड। कैन नॉट डिने द फैक्ट, और ये डिने नहीं कर सकता है इस फैक्ट को, डिने मतलब होता है नकार नहीं सकता है, मना नहीं कर सकता है, दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, ये एबिलिटी है ह्यूमन की दैट हेल्प द ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इंटू अ वैल्यूबल सोर्स, जो फिजिकल मटेरियल है उसको वो ट्रांसफ़र करता है एक वैल्यूबल सोर्सेज के अंदर, ये इंसान करता है। और ये कैसे करता है? अपनी एबिलिटी के थ्रू करता है, नेचुरल रिसोर्स को, नेचुरल फिजिकल मटेरियल को वो वैल्यूबल रिसोर्सेज के अंदर कन्वर्ट करता है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, जो इंसान है वो नेचर का अच्छे प्रकार से यूज़ कर सकता है। और स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, और जो टेक्नोलॉजी है अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से और टेक्नोलॉजी से वो किसी भी चीज़ को अच्छा बना सकता है, नेचर की नेचर को यूज़ कर सकता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग हैं वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स ही हैं। और ये रिसोर्स कैसे बनते हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ की मदद से। जो पीपल है वो एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल, और इसमें क्या होता है कि जो पीपल की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। पीपल की क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, जो लोगों की स्किल होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है, दैट दे आर एबल टू क्रिएट, जिससे कि वो मोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें। और इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये इसमें डायग्राम दिखा रहे हैं इसमें, और इसमें यही बताया कि क्रॉप रिमूव ड्यू टू द ड्राउट, कि सूखे की वजह से क्रॉप जो है वो सूख रही है। कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन, क्या मैं सोल्यूशन फाइंड कर सकती हूँ? फिर इसके बारे में ये रिसर्च करती है, पढ़ती पढ़ती है, एंड दैट इज़, और फिर उसके बाद वो क्या करती है, इट्स ऑल थैंक्स टू नॉलेज, और ये सबको बताती है कि नॉलेज और एजुकेशन की मदद से और स्किल की मदद से मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। क्या सॉल्यूशन? जहाँ ड्राउट आता है ऐसे एरिया के अंदर जो वाटर है उसको पहुँचाया जाए। तो अब ये जो आपका कंजर्विंग रिसोर्सेज है ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो जितना आज आपने पढ़ा है इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा।
और कोई चीज़ अगर नहीं आती है आपके समझ में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो यूज़ योर कमेंट बॉक्स, और अगर आपके समझ में आता है तो लाइक करना जिससे मुझे पता चले कितने बच्चों के समझ में आया है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।